एक बूंदा बनाने के लिए यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिए हैं। अब इसमें 200 ग्राम बेसन डालेंगे, थोड़ी सी अजवाइन, जीरा और काली मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच नमक। अब इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डालकर इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेते हैं। ये घोल तैयार हो चुका है, इस तरह का गाढ़ा घोल तैयार किए हैं। यहाँ पर कुछ उबले हुए अंडा लिए हैं, सभी अंडा में कांटे वाले चम्मच से छेद कर लिए हैं ताकि अंडा फ्राई करते समय फटेगा नहीं। अब इस घोल में अंडा को डाल देंगे। सभी अंडा को घोल में अच्छी तरह से मिला लेते हैं। सभी अंडा को घोल में अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर तेल को गरम कर लिए हैं। अब इसमें बोंडा डालेंगे। बोंडा को तेल में डाल दिए हैं। एक मिनट के बाद इसे पलट देंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे। एक मिनट के बाद इसे पलट दिए हैं। इसी तरह पलट पलट कर फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट। सभी बोंडा फ्राई हो चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सभी एक बुंडा को फ्राई कर लिए हैं। अब इसे खाने के लिए तैयार कर लेते हैं। दोनों बुंडा को इस तरह बीच से काट लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ी सी बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। थोड़ी सी नमक, चाट मसाला थोड़ी सी, काली मिर्च का पाउडर, ये एक बूंदा खाने के लिए तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लें ताकि मेरे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।